माने कि जो 70-60% जो इलाका था जो हर वक्त अफगान तालिबान के कंट्रोल में था, उन इलाकों से हमारे पे अटैक्स हो रहे हैं इस वक्त। और वो अटैक आप जैसे देखे हमारे शहीद हुए हैं दो लोग, तो फिर ये क्यों अटैक्स हो रहे हैं हमारे ऊपर? और अटैक्स होते हैं और हमारे लोग शहीद होते हैं, तो उनका ये बयान कि आपका और टीटीपी का जो मसला है आप वो खुद सेटल करें, वो आपका और उनका मसला है, इसका क्या मतलब है भाई? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, दोस्तों पाकिस्तान तालिबान की जीत की खुशियां मना ही रहा था कि कुछ ऐसा घटित हुआ जिससे पाकिस्तान की ये खुशियां ज्यादा देर तक नहीं टिकी रही। दरअसल दोस्तों अफगानिस्तान की भूमि से पाकिस्तान पर आए दिन लगातार हमले हो रहे हैं और इन हमलों में पाकिस्तान आर्मी के कई सैनिक मारे भी जा चुके हैं। और जब यह बात तालिबान तक पहुंची तो तालिबान ने पाकिस्तान को पिछवाड़ा दिखा दिया और कहा कि अपना मुद्दा खुद सुलझाओ। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप देखेंगे कि जफर इलाली तालिबान के इस रवैये से बहुत ज्यादा दुखी है और साथ में तालिबानियों और अमेरिका का डर जफर इलाली के चेहरे पे आपको साफ दिखाई देगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं मेन वीडियो। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और लाजवाब है, इसलिए अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राम राम। मगर मुझे जो सबसे बड़ी तकलीफ हो रही है वो ये है कि उन एरियाज जो अफगान तालिबान के कंट्रोल में थे हुकूमत से पहले, माने कि जो 70-60% जो इलाका था जो हर वक्त अफगान तालिबान के कंट्रोल में था, उन इलाकों से हमारे पे अटैक्स हो रहे हैं इस वक्त। और वो अटैक आप जैसे देखे हमारे शहीद हुए हैं दो लोग, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर उनका कंट्रोल अफगान तालिबान का उधर था और उन्होंने हमें अश्योरेंस दिया था मनाया कि हम हर टेरिटरी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे आपके खिलाफ, तो फिर ये क्यों अटैक्स हो रहे हैं हमारे ऊपर? क्या वो उस वक्त ये टेरिटरी उनके कंट्रोल में नहीं था या इस वक्त नहीं है कंट्रोल में? क्या बात क्या है? और अटैक्स होते हैं और हमारे लोग शहीद होते हैं, तो उनका ये बयान कि आपका और टीटीपी का जो मसला है आप वो खुद सेटल करें, वो आपका और उनका मसला है, इसका क्या मतलब है भाई? माने कि अगर टीटीपी आपके मुल्क से हमें अटैक करती है तो वो मसला हमारा और टीटीपी है, आप दरमियान में आते ही नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारा जो पोजीशन है इस बार और हमें जो कहा जाता है कि भाई कुछ नहीं, फिकर मत, ये अभी सर कंट्रोल उनका पूरा नहीं हो रहा है, नहीं नहीं नहीं, आस्ते आस्ते हो भाई। ये जो एरियाज हैं जिधर से हमारे पे अटैक हो रहे हैं ये तो हर वक्त उनके कंट्रोल में था। देखिए बात असल ये है कि तरीका होता है, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक तरीका भी होता है कहना हमें, हम लोगों को जिन्होंने इतनी इनकी मदद की है, मदद माने डिप्लोमेटिक सपोर्ट और पॉलिटिकल सपोर्ट और जो भी एडवाइस है हम इनको देते रहे, हमारे जब लोग शहीद होते हैं उनके इलाके से, ये उनको कहना ये हमारा काम नहीं है, जाओ तुम उनसे बात करो और मसला हल करो, ये तरीका ये नहीं है। तरीका ये है कि बड़ी अफसोस है कि ये हरकत हुआ है, बड़ी अफसोस है कि ये मारे गए हैं, अफगानिस्तान से गोली चली है, बड़ी अफसोस, और हम इंक्वायरी करेंगे और हम देखेंगे, ये तो तरीका नहीं है, जाओ उनके साथ बात करो। नहीं, आई एम अफ्रेड, ये देखिए इन लोगों को काफी सीखना है। अगर जैसे जनरल साहब ने कहा था अगले 3-6 महीने इनका लिस्ट होगा और अगर ये पास हो जाए, जो हम चाहते हैं और हम दुआ करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, हम समय सब लोग इनको अब सुना रिकग्नाइज करेंगे और मदद करेंगे, मगर अगर ये नहीं पास हुए और सिर्फ एक मुल्क को खुश करना चाहे और दूसरों के बारे में परवाही नहीं करें तो आई एम सॉरी, दिस नॉट गोइंग टू वर्क। देखिए मैं, मुझे बहुत फिक्र हो रहा है, मेरा फिक्र ये है कि अमेरिकन कहेंगे जी जी। अगर इनका एश्योरेंस के ये दहशतगर्दी नहीं होगी और माइनॉरिटी राइट्स मिलेंगे, ये वो जो इन्होंने सब वादे किए हैं अफगान तालिबान, अगर वो पूरा उस पर पूरा ना उतरे
या ऐसे लोग जिनको हम बीकन समझते हैं, मिसाल के तौर पे एयरपोर्ट पे जो हुआ है और आए, तो फिर अमेरिकन जो है वो दे हैव रिजर्व द राइट, माने उन्होंने हम फिर इनको अटैक करेंगे, वो तो बाइडेन ने कह दिया जिधर भी है हम इनको मारेंगे और मारते रहेंगे जब तक खत्म नहीं हुए जी। अच्छा अब ये जो अटैक करेंगे इनको, ये ड्रोन्स जो उनके आएंगे वो किधर से जाएंगे, क्या हमारे ओवरफ्लाइट से आएंगे? चलिए लेट अस सी के वो ओवरफ्लाइट करते और हमें वो फिर प्रेशर करेंगे और पूछेंगे कि भाई हमारे खिलाफ ये आदमियों ने आके ये किया था, हमने कहा था कि हम इनको बॉम्ब करेंगे, हम मारेंगे इनको और हम आपके ओवरफ्लाइट करके जा रहे हैं इनको मारने के लिए। मिसाल के तौर पे वन सच एक्टिविटी में जाके सिविलियन को मार दिया, जैसा इनका आदत है अमेरिकनों का, वो तो अंधा बेर फायरिंग करते हैं ना, आपने देखा है एयरपोर्ट पे ज्यादातर कैजुअलिटीज तो हुए हैं इसलिए कि उनके फायर से, ऊपर से वो पता नहीं 100 लोगों को खत्म कर दिया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब एक दफे ऐसा वाक़ा तो अफगानिस्तान जो है वो गवर्नमेंट वो कहेगी कि इनका रोको आप ओवर फ्लाइट, मत आने दो, ये गलत इस्तेमाल हो रहा है, फिर हम क्या करेंगे? क्या हम उनको कहेंगे अमेरिकनों को मत आओ? तो सर इसकी नौबत, हिराली साहब इसकी नौबत आ सकती है ऐसे हालात में? जल्द से जल्द आ सकती है भाई, कल अगर उन्होंने एक रॉन्ग काफले को मार दिया, परसों अगर जाके उन्होंने किसी दाइश को मारने के कोशिश में किसी और चीज कर दिया, ये तो करते रहेंगे। और एक और बात, अब तो मैं आपको कह रहा हूँ ऑनेस्ट और जेन्युइन मिस्टेक, समझे, ये मिस्चिवस खेलना चाहते हैं। जनरल अमजद शुएब साहब, एक जानिब जो बड़ा अहम सवाल जफर हिलाली साहब ने उठाया है कि पाकिस्तान तो भरपूर अफगान अमन अमल के हवाले से तालिबान की जो हुकूमत आ रही है उसमें हर तरह से मुआविन रहा है कि तालिबान के अंदर अमन हो, तो फिर ये पाकिस्तान पर इस तरह के अटैक अब दोबारा से, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। दूसरा, ये अफगानिस्तान की सरजमीन के इस्तेमाल होने के हवाले से बयानात, उसके बावजूद ये हो, तो फिर पाकिस्तान तो इस वक्त पहले भी मुश्किल में रहा कि आप फिर हम तैयार हों? देखिए मेरा अपना अंदाजा है कि इनकी हुकूमत बन जाए, अमेरिका निकल जाए, हुकूमत बन जाए, तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता अपना कंट्रोल जो है वो एस्टेब्लिश करेंगे। अभी लाजमन वो ग्राउंड पे मौजूद नहीं है उस तरह, उनकी गवर्नमेंट का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, उनकी पुलिस, उनकी इंटेलिजेंस, कोई भी चीज़ इस वक्त फंक्शनल नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कुछ वक्त लगेगा, और ये चूंकि एक इंटरनेशनल गारंटी, एक माहिदा उन्होंने लिख के साइन किया हुआ है, वो उस पर स्टिक करेंगे, कायम रहेंगे, उनको रहना भी चाहिए, वरना फिर अगर अमेरिका वहां पर ड्रोन दे के हमले कर सकता है तो पाकिस्तान भी करेगा फिर, क्योंकि ये तो इस तरह का तरीकाकार या इस तरह की हालत जो है, जो भी सिचुएशन है, वो तो काबिले कबूल नहीं है। और हमने जो पहले सफर किया उस वक्त हमें अंदाजा था कि हुकूमत जो है वो अफगान हुकूमत उस वक्त थी, वो भारत के साथ मिलके अमेरिका की प्रोटेक्शन में वो सारा काम कर रहे थे। आज वो सूरत बदल चुकी है, अमेरिका निकल गया, अमेरिका की प्रोटेक्शन नहीं है, भारत वहां पे हट गया, भारत अगर कुछ करे तो वो उतना खोले बंदो नहीं कर सकता जैसे वो कर रहा था पहले। तो इस वक्त तो तालिबान के लिए कंट्रोल करना कोई इतना मुश्किल नहीं होना।